नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र में फिर एक क्रिप्टो करेंसी के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां फरियादी से लाखों रुपए की धोखाधड़ी की गई है। फरियादी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मामला मल्हारगंज थाना क्षेत्र का है। यहाँ के रहने वाले मयंक मरोठिया नामक युवक ने शिकायत दर्ज कराई कि उनसे एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा क्रिप्टो करेंसी के 2048 UATD का सौदा बाइनेंस ऐप के माध्यम से किया गया था और लाखों रुपए अकाउंट में डलवा लिए। एक फेक ईमेल भी भेजा गया, जब फरियादी उनके झांसे में आ गया और फरियादी को पेमेंट भी नहीं किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना मल्हारगंज में एक फरियादी मयंक मरोठिया द्वारा इस आशय की शिकायत की गई कि उससे एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा बाइनेंस ऐप के जरिए ऑनलाइन जो क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग है उसमें 2048 USDT का सौदा किया गया था, जिसमें उसने 99 रुपीज़ पर USDT की रेट पर उससे सौदा जो बाइनेंस ऐप के जरिए तय हुआ था, जिसमें आरोपी के द्वारा 2048 जो USDT है क्रिप्टो करेंसी वो डलवाई गई आरोपी के अकाउंट में। और इसके बाद आरोपी ने उसे एक फेक ईमेल के जरिए कन्फर्मेशन भी किया कि ये उसे प्राप्त हो गया है। और जिसके बाद जब आरोपी ने आरोपी से पैसा देने का बोला तो आरोपी द्वारा उसे जो पेमेंट है वो नहीं किया गया। तो इस तरीके से आरोपी ने फरियादी के साथ जो है वो साशय जो है फ्रॉड किया है। इसको लेकर के पुलिस के संज्ञान में जैसे ही मामला आया है, पुलिस ने तत्काल इसमें मामला पंजीबद्ध किया है और आरोपी का जो मोबाइल नंबर है और जो ऐप के जरिए जो भी डिटेल है उसके थ्रू हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कितने की धोखाधड़ी ये लगभग 179,000 ऑलमोस्ट की धोखाधड़ी बनती है। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।